हमने अभी जियो का एक टावर लगवाया है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि जियो का टावर लगवाने का जेन्युइन तरीका क्या है, क्योंकि आज के टाइम में टावर के नाम पर काफी फ्रॉड्स चल रहे हैं। जियो का टावर लगवाने के लिए आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, इसके बाद कंपनी की तरफ से आपकी बिल्डिंग का लोकेशन का इंस्पेक्शन किया जाएगा। इसके बाद अगर कंपनी को लगता है कि आपकी बिल्डिंग आपकी लोकेशन सही है टावर लगाने के लिए, तो वो लोकेशन और टावर के हिसाब से आपको एक रेंट बताएंगे। जियो में दो तरह के टावर होते हैं, एक स्मॉल टावर होता है और एक बड़ा टावर होता है। जो स्मॉल टावर होता है उसका रेंट कम होता है, जो बड़ा वाला टावर होता है उसका रेंट ज़्यादा होता है। तो हमने जो टावर लगवाया है वो स्मॉल वाला टावर है, काफ़ी छोटा सा है, उसका रेंट है 3,500 रुपये पर मंथ और हर 3 साल में वो 10% बढ़ता रहेगा और 15 साल का एग्रीमेंट है। तो इंस्पेक्शन के बाद कंपनी आपको बता देगी कि आपको कितना रेंट दिया जाएगा। स्मॉल टावर में आपको कम रेंट मिलेगा, बड़े वाले टावर में आपको ज्यादा रेंट मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पर और टावर के साइज पर। इसके बाद कंपनी आपसे एक एग्रीमेंट कर लेगी जो कि 15 सालों के लिए वैलिड रहेगा, हर 3 साल में जो भी आपका रेंट होगा उसमें 10% बढ़ता रहेगा। और इसके बाद आपकी बिल्डिंग पर टावर लगा दिया जाएगा, जिसके मेंटेनेंस की और इलेक्ट्रिसिटी की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। टावर लगवाने का ये प्रोसेस सीधे आपके और कंपनी के बीच में होगा, कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, इसलिए आपको कहीं भी कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको टावर लगवाने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर आप एक ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें आप टाइप करेंगे jio.com, तो आपके सामने जियो की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जियो नेटवर्क पार्टनर, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आपके पास प्लॉट है या फिर बिल्डिंग है। बिल्डिंग अगर आपके पास है तो उसमें टावर लगवाने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास प्लॉट है तो उस पर भी टावर लगवाया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बिल्डिंग चूज करेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन देनी होगी कि आपका जो प्लॉट या बिल्डिंग है वो कहाँ पर है। इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से मूव करेंगे और जहां पर भी मैप में आपकी बिल्डिंग है आप उस पर ले जा करके इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। दूसरा तरीका ये है कि जहां पर भी आपका प्लॉट या बिल्डिंग है वहां का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, आपको चूज कर लेना है और इसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी बिल्डिंग पर ले जा करके इसको रख देंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप इनेबल कर देना है, जिससे ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी अपडेट देते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको चूज कर लेना है प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, आप खुद हैं या फिर कोई और है। अगर आप खुद हैं तो आप यहाँ पर अपना पूरा नाम डालेंगे जो भी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है, और अगर कोई और उसका ऑनर है तो आप अदर चूज करेंगे और उसकी यहाँ पर आप डिटेल्स डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सेल्फ चूज करके अपना नाम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आप अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर डालेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर डाल देंगे, यहाँ पर आप अपने गाँव, कस्बे, शहर या सेक्टर का नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर चूज कर लेंगे आप अपना टाउन या डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। अगर कोई लैंडमार्क है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे कि हमने बिल्डिंग चूज की थी तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं 3। बिल्डिंग की एज कितनी है, हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं 5 साल से कम है। बिल्डिंग टाइप क्या है, इसमें यहाँ पर हम सिंगल बिल्डिंग या फिर मल्टीपल बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर हम सिंगल बिल्डिंग चूज कर लेते हैं। क्या वहाँ पर पहले से किसी और ऑपरेटर का टावर इंस्टॉल किया गया है, इसको हम नो कर देते हैं। अगर आपने पहले से किसी और ऑपरेटर का टावर भी लगवाया हुआ है तो आप यस करेंगे, इसके बाद कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट कर दी जाएगी और साथ ही यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपकी लोकेशन भी पूरी आ जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए डिस्क्लेमर दिया गया है कि आपने जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स यहाँ पर सबमिट की है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टावर लगवाने की गारंटी हो गई है, बल्कि कंपनी इंस्पेक्शन करेगी, सब कुछ चेक करेगी, अगर उसके बाद उसको सही लगता है तभी टावर लगवाया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो भी टीम आएगी कंपनी से, कोई भी आपसे पैसा नहीं लेगी, तो आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं देनी है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि टावर लगवाने के लिए आपसे कंपनी कोई भी पैसा नहीं लेती है, इसलिए अगर कोई भी आपसे पैसे की डिमांड करता है टावर लगवाने के लिए,
तो आप समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।